हाय एवरीवन, मैं दीपा सिंह। तो आज यहाँ पे एक DIY मैं करने वाली हूँ। जैसे कि आपको दिख रहा होगा, ये है आइसक्रीम स्टिक्स या फिर मार्केट में मिल जाती है इजीली। मैं भी किसी क्राफ्ट से रिलेटेड इनको लेके आई थी, तो मैंने इनसे पहले बनाया था एक मोबाइल होल्डर बनाया था, एंड पेन होल्डर भी बनाया था, उसमें साथ साथ में दोनों थे। तो अभी ये काफ़ी टाइम बाद क्या ये ख़राब हो चुका था, तो इसलिए मैं इसको रीयूज़ कर रही हूँ दोबारा से। और अगर आप चाहें तो मार्केट में आपको आसानी से मिल जाता है ये। तो इसमें मैंने फेविकोल लगाया था, इसलिए मैंने पानी में भिगो दिया। उसके बाद ये देखिए सूख गए हैं, ड्राई हो गए हैं ये अच्छे से। तो चलिए अब हम अपना स्टार्ट करते हैं DIY बनाना इससे। तो यहाँ पर देखिए मैंने ये चौको पाई, या कोई भी पेपर आप ले सकते हैं, कोई भी पेपर यूज़ कर सकते हैं, बट मैं इसका पेपर यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ बैक सपोर्ट देने के लिए। इन दोनों को सेम पीसेस हैं, ये सेम पीस आपस में चिपका लिए हैं, आराम से चिपक जाते हैं। फेविकॉल की मदद से या किसी भी ग्लू की हेल्प से आप इसको आपस में चिपका सकते हैं। अब मैं देखिए एक साइड फिर से अगेन यहाँ पे लगा रही हूँ फेविकॉल। तो अच्छे तरीके से मैंने ये स्प्रेड कर दिया चारों तरफ। अभी स्टिक्स जो आपको दिख रही है काफ़ी साफ हो गई है अभी। तो अब मैं यहाँ पे अगेन इनको चिपका लेती हूँ ऊपर नीचे, जैसे कि आपको दिख रहा होगा एक डिज़ाइन बना के, एग्जैक्ट तरह का एक डिजाइन बन जाएगा इसमें। तो इसी तरह से एक ऊपर एक नीचे करके पूरे इसमें मैं इसको अच्छे से पेस्ट कर लूंगी। और ये आराम से चिपक जाएगा क्योंकि नीचे ग्लू लगा हुआ है। थोड़ी देर आप छोड़ देंगे इसको तो ये आराम से चिपक जाता है एंड विदाउट एनी प्रॉब्लम। देखिए पेस्ट हो गया है अच्छे से, आराम से पूरे उसमें जितना भी पेपर था अच्छे पेपर में मैंने पूरे अच्छे से ये चिपका लिया है। और कुछ टाइम के बाद ये आराम से सूख जाता है, मतलब एक दो घंटे के बाद, या अगर ओवरनाइट भी आप छोड़ दें तो ये सूख जाएगा। यहाँ पे मैं यूज़ कर रही हूँ कलर, तो यहाँ पे मैंने ब्लू कलर लिया है। आप कोई भी कलर यूज़ कर सकते हैं जो भी आपको पसंद हो, बट अगर डार्क कलर लेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो इसी तरह से ये जो ब्लू कलर है ब्रश की मदद से मैं लगा लेती हूँ। तो ब्लू कलर लगाया था मैंने क्योंकि ब्लैक कलर मेरे पास कम था इस वजह से। तो फिर अब मैं इसमें लगाऊंगी ब्लू एंड ब्लैक लगाऊंगी लास्ट में, सबको एक जैसा कलर देने के लिए, क्योंकि ये पहले से कलरफुल स्टिक्स थे बट इसमें मतलब काफ़ी फेड हो गया था इन सभी का कलर। तो देखिए उसके बाद मैंने ब्लू लगाया था और ब्लैक थोड़ा सा बचा था, तो इसलिए मैंने ब्लैक से पूरी कोटिंग कर दी है, इसमें पूरा कलर कर लिया ब्लैक से। अब यहाँ पे स्पार्कल्स हैं, ये गोल्डन कलर का मार्केट में आपको मिल जाएगा इजीली, तो मैं ऊपर से स्प्रेड कर रही हूँ। ये कलर है एक्चुअली, स्पार्कल अलग होता है बट ये गोल्डन कलर है। आप जब इसे मीडियम में मिक्स करते हैं तो कलर बन जाता है, काफ़ी अच्छा कलर बन जाता है गोल्डन। तो कलर है इसलिए हाथों में चिपक रहा है, वैसे ये सूख चुका है, मतलब गोल्डन कलर हाथों में लग जाता है थोड़ा बहुत स्पार्कल जैसा। तो देखिए तैयार हो गया है, अब हम स्टार्ट करेंगे अपना नेक्स्ट वर्क। एट लास्ट मैं इसको मतलब सुतली, जो सुतली होती है जूट का धागा होता है मार्केट में, उसकी हेल्प से इसको चिपकाऊंगी, ग्लू गन इसके पीछे लगा दूंगी। और उसके बाद आप इस तरह के जो नेमिंग बोर्ड होते हैं, एक नेमिंग बोर्ड आपका बनके तैयार हो जाएगा। इस तरह के नेमिंग बोर्ड्स को आप कहीं पर भी अपने घर में डेकोरेट कर सकते हैं, बहुत अच्छा नाइस लुक आ रहा है। जैसे कि आपको दिख रहा होगा गोल्डन कलर का, तो यह है गोल्डन एंड ब्लैक कलर है, तो काफ़ी अच्छा एक ऑथेंटिक सा लुक आ गया इसका। तो अगर आप एक रेंटल अपार्टमेंट में रहते हैं तो इस तरह की चीज़ें आप बना सकते हैं, बहुत ही अच्छी किफ़ायती सस्ती, और ले जाने में भी कैरी करने में भी बहुत ही इजी होती है ये सब चीज़ें। तो फ्रेंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर हो तो बेल आइकन फॉलो करें। अभी आप वॉच करते हैं।